सतनाम। वाहिगुरु साहिब जी अब सिख सतगुर के प्यारे हो गाबो सच्ची बाणी बाणी ता गाबो गुरु केरी बाणिया सुर बाणी बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे अमृत वाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझाए शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराई तेहा हाओ करी बखियान अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोला बोलाया तेरा वाहिगुरु साहिब जी माली गौड़ा महला पंजीवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जान चलत तेरे किस अंत नाही पार रहाओ एक खिन हे थाप ओ थाप दा काड़ पान करन हार जेत कीन उपार जना प्रभ दान दे दातार हर शरण आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार काड ले हो पाहो जल बिखमाते जन नानक सद बलिहार हर शरण आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार काड ले हो पाहो जल बिखमाते जन नानक सद बलिहार परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जी बड़भागी हां सतगुरां दी अपार बख्शिश होई है सानू अमृत वेले सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ करके सतगुरां दी अमृत बाणी पढ़न सुनन और समझन दा सभाग समा प्राप्त होया है। सो आओ कुछ समा अपनिया मनोवृत्तियां नू एकागर करदे होए सतगुरु जी दी रहमत सदका साहिब जी दे पावन दरबारां तों
चल रही लड़ीवाड़ गुरबाणी विचार दे नाल जुड़न दी खेचला करिए। जो पावन पवित्र शब्द जाप सरबण कीता जिस दी असां विचार करनी है। ये पावन पवित्र शब्द जाप शहीदां दे सरताज सतगुरु पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जीआं दे पवित्र रसना द्वारा उच्चारण होया हुआ ये शब्द है, जो कि माली गौड़ा राग दे विच सशोभित है। सतगुरु जी इस पावन पवित्र शब्द दे विच कृपा कर रहे ने, उस मालिक दी वडियाई करदे होए सानू अलपग जीवा नू समझाउंदिया कि ऐ प्यारियो सब दाता उस मालिक दे हाथ विच ने, ओदियां ही ने बरताईयां होईयां। ओ सर्वकला समर्थ वाहिगुरु है, सृष्टि नू बनाउण वाला, रचन वाला और लयता करन वाला, भावनाश करन वाला भी ओही वाहिगुरु है। ये सारा जो सृष्टि दी रचत है उस मालिक दी खेड है। ये भी आप पढ़ते हैं रोजाना, जी जानत सब तेरा खेल, जी आ जानत। ये सारा उस वाहिगुरु दा परमात्मा दा खेल है। जगत दी रचना सारी उस मेरे वाहिगुरु दे कौतक ने, वो आपे ही कर करके रच रच के सबना नू वेखदा है, समझदा है, जानदा है। ओनू समर्थ वाहिगुरु आखिया साहब ने, करण करावन आखिया, सगल घटां दा सारे हिरदियां दा अंतरजामी आखना कीता, भाव कि उस वाहिगुरु दा असी जिहड़ा खेल है नहीं जान सकदे। उस वाहिगुरु की जिहड़ी समर्था उहदा पारा वार है उहनू असी नहीं समझ सकदे। उहदा कोई भी अज तक अंत नहीं पा सकदा ते ना किसे पाउणा। बड़े चले अंत पाउण नू पारा वार लैण लई, पर किसे नू उहदा पारा वार उहदा अंत नहीं मिलिया। उह बेअंत है, बस उहदी समर्था ताकत है जिहड़ी पासा इस शब्द विच कहिंदा वी इक खिण दे विच ही उह सारी सृष्टि नू रचण दी समर्था रखदा, और नाल ही इक खिण विच ही उह रचे होए नू खत्म करन दी समर्था भी रखदा। इसे करके सतगुरां ने इस शब्द विच भी कृपा कीती है, उस वाहिगुरू दी सरण विच रहण दी सानू तागीर कीती है, सानू समझाउणा कीता है कि है प्यारियो ओ वाहिगुरु समर्थ है, ओदे सरण विच रहो भाई, ओदे कौतक है। जो आ रचना है इस रचना दे विच असी भी रचे हुए हैं मालिक वल्लों, जिन्ना क समा सानू मिलिया है इहनू चंगे तरीके नाल साहिब तो मत बुद्ध लैके ज्ञान लैके चंगे तरीके नाल इस जीवन नू बसर करिए। आपां ये मेरे वाहिगुरु ने जो सानू समा दिता, समय का कोई मुकर्रर नहीं है, भी कोई पता नहीं किसे नू भी किन्ना क समा साडे कोले, बस इन्ना क साहिब ने सानू कह दिता है। सतगुरु जी कहिंदे रंग माण लै प्यारिया जा जोबन नाउ हुला, दिन थोड़े थके भया पुराणा चोला। सतगुरु जी कहिंदे है चार दिवस को पौना काज सवारन हार, चार दिवस चार भाव के थोड़े समय की साढ़े को प्रौना चारी है। इस संसार विच असी थोड़े समय लई आए हाँ, बस सतगुरु जी कहिंदे आ प्यारियो इस समय नू गुरु तो मत लेके बसर करना सिखिए, लंघाउणा सिखिए,
ओ वाहिगुरु दे जो असी इना अखिया नाल संसार विच रहिंदे होए जो कुछ देख रहे हैं बस उते खुशी मनाईए शुकर करिए वाहिगुरु दा ये सारा जो कुछ हो रहा उदे कौतक समझिए उदा खेल समझिए तत्याव अज दे शब्द विच जो सतगुरु जी कृपा कर दिया आरंभता वाला ही बंद है जिहड़ा रहाव वाला बंद है जिस बंद दे विच सतगुरु कृपा करदे ने आओ आपा विस्तार विच ना जाइए समझण दी कोशिश करिए सहबा मत बुद्ध बख्शिश करन प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किस अंत नाही पार प्रभ समरथ देव अपार कहने भाई जिहड़ा प्रभु है परमात्मा है वह सर्व शक्तिमान है वह दैव है वह देव है उहदे कोल दैवी गुण भी बेअंत ने गुणा दा भंडारा मालिक दा देव भाव के प्रकाश रूप नूं भी कहने है भी वह मेरा वाहिगुरु एक प्रकाश रूप है अपार उहदा कोई पारा वार नहीं पा सकता वह अपर अपार है अपरे अपार परे तो परे है साहब कहते भी ओ प्रभु परमात्मा भाई सर्व शक्तिमान है सारिया ताकतों का मालिक है सब कुछ नूं करन दी समर्था रखता है ओ प्रकाश रूप बेअंत है इस करके उस वाहिगुरु की वडियाई कर दे साहबा कहते कौन जाने चलत तेरे ऐ मेरे वाहिगुरु कौन तेरे चलत चलत चलित्र नूं भी कहते हैं चलत गुरु प्यारियो कौतकां नूं खेड तमाशियां नूं भी कहा जांदा इत्थे पातशाह कहिंदे ऐ मेरे वाहिगुरु जिहड़ा तेरा खेल है कन्ना आ जगत दा इहनूं कौन जाण सकदा भाव के कोई नहीं समझ सकदा साडी समझ तो परे दीआं गल्लां ने भी वाहिगुरु जिहड़ा कौतक कुदरत विच वरता रिहा साडे जात चेते भी नहीं हुंदा जो मेरा वाहिगुरु करदा जा रिहा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਾਣਾ ਐਸਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸਿਫ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਕੇ ਤਾਈ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀਵ ਪੂਰਬ ਪੂਰਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਰ ਪਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਕੇ ਤਾਈ ਪਸ਼ਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ ਪਸ਼ਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ਮ ਭਾਵ ਸਿਪ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਭਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਆਹ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਧਨ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਵਡੱਪਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਕੇ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ
ਬਈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਚਲਤ ਤੇਰੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਕਿਸ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰ। ਕੋਈ ਨੀ ਅੰਤ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੋ ਵਿਚਾਰ ਆਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਿਨਹ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪਦਾ ਘੜ ਭੰਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਜੇ ਤਕੀਨ ਉਹ ਪਰ ਜਨਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾਰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨਹ ਥਾਪ, ਉਹ ਥਾਪਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਪਦਾ, ਥਾਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਰਚ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜ ਭੰਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਉਹ ਘੜਨ ਤੇ ਭੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਹਾਰ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ, ਭੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਰਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਤ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਸਮ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਕਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਇਆ, ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰਚਿਆ ਭਾਈ ਤਾਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਚੁਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਥਾਪ ਥਾਪ ਦਾ ਘੜ ਭੰਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਜੇ ਤਕੀਨ ਉਹ ਪਰ ਜਨਾ। ਜੇਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਤ ਕੀਨ ਉਹ ਪਾਰ ਜਾਣ, ਜੇਤ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾ ਤਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਰੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ,
पैदा करके इन भी पैदा करते भाई सतगुरु जी कहंदे आ भी सारिया नू पैदा करके रोजी रोटी भी दे रहा है, कोई दूसरा तीसरा नहीं है भी पैदा करने वाला हो जाए, क्योंकि आपां तां इही पढ़दे आ पुरातन इतिहास यही कहंदे सी भी तीन ने, एक पैदा करता ब्रह्मा जी, दूसरे नंबर ते कहंदे रोजी रोटी देने वाला बिशन जी है, तीसरा नंबर शिव शंभू क्या गया कहंदे ये लैता करता खात्मा करता दुनिया का, पर पातशाह कहंदे इको ही अकाल पुरख वाहिगुरु है, वह पैदा भी करता है घर भन करने हार इतने कहता पाल पातशाह ने आप पहला पढ़ लिया भी वह घड़न की समर्था भी उही रखता है पैदा करता उही है ते खात्मा भी उही करता है, ते इत्थे कह दिता भी रोजी रोटी भी वह दिंदा मेरा वाहिगुरु इको ही है। ये वक्री गल भी ड्यूटी किसी ने लाती पर अपनी मर्जी ना नहीं कर सकता काम, ये नहीं वो मर्जी भी इनू रोटी देनी है इनू देनी नहीं, इनू भुखा रखना इनू रजा के ये नहीं है, ये बकरी गल भी साढ़े कर्म मुतालक, पर वाहिगुरु है जिहड़ा रोजी रोटी सबना नू दिंदा सारिया की सार संभाल करता है। इस करके पातशाह ने आखना किया है भी यह प्यारे जे तुसा मनदे भी हो करना, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने बड़े सोहने ढंग तरीके नाल दुनिया नू समझाया उस वाहिगुरु दे बारे, जेडे दुनिया दे लोग कहंदे सी कहना भी एक पैदा करता एक रोजी रोटी दिंदा एक खात्मा करता, पातशाह कहंदे असीं भी मन लैने आ भाई ठीक है हो सकता होवेगा इदां कम, पर साहिबा ने जो वचन किया एक माई जुगत ब्याई तीन चेले परवान भी तिना प्रवानता देती संसार कहता, एक संसारी एक संसार रचदा, एक भंडारी एक भंडारे वरता, एक लाए दीवान दीवान का भाव का खात्मा करना, कहने एक खात्मा करता है, पर गुरु नानक पातशाह कहते ठीक है मन लैने हो सकता है, पर साहब कहना जिब त सुभाव है तिब चलाव है जिब होवे फरमान, कहना जिमें मालिक नूं भौंदा चलदे ए ओवें ने इन्हां दे हाथ विच कुछ नहीं, पातशाह कहंदे ने भाई जिमें फरमान हुंदा वह वाहिगुरु का हुक्म हुंदा कहंदे ओवें ही करदे आ जिब होवे फरमान, नाले भी कहंदे आ वह वेखै ओ मेरा वाहिगुरु ता वेखदा भाई सबना नू उन्हां नू भी वेखदा जिहड़े काम कर रहे है, पर पातशाह की कहंदे है ओ वेखा उन्हां नजर ना आवे, पर उन्हां भंडारियां नू ओ संसारियां नू ओ दीवान लाउण वालियां नू पातशाह कहंदे ओ वाहिगुरु नजर नहीं आउंदा, पर चलाउंदा अपने भाणे विच अपने हुक्म दे विच है, क्योंकि ये पता उदों ही लगदा कहंदा जो वाहिगुरु साडी सोच तो उल्ट कर दिंदा भाणा बरता दिंदा, फिर असीं कहने भी आ तां भाई रब ने होर ही कुछ करता भी असीं तां होर ही कुछ सोची बैठे सी, सोच साडी होर हुंदी है, ते इसे करके वाहिगुरु सतगुरु जी कृपा करदे समझाउंदे आ कहिंदे प्यारिओ जिब ते सुभाव है लाभ है जिब होवे फरमान ओह वेख्यो तां वेखदा सानू भी वेखदा सभना नू ओह वेख रिहा सारिआं नू, पर सानू नजर नहीं आता असं तो भुले ही फिरते हैं बेअंत दुनिया भुली ही फिर आज बिरलिया यह कह ली भी बिरले है जिन्हों याद है वाहगुरु जेडे कहते हाँ भाई सानू वेखदा क्यों माड़ा करिए आप सानू सुनदा क्यों माड़ा बोलीए आप, वाहगुरु सारे पासे पसरिया होया है, साहबा ने वचन भी कर दिते ने सद सुनदा सद वेखदा वो सदा सुनदा सदा वेखदा है, इसे करके साहबा ने आखना किया भी ए प्यारे ओ सद सुनदा वेखदा है ओ वेखा है ओना नजर ना वे बेचारे ओना नू नजर नहीं आता जिन्हां नू असीं कहने भी आता भंडारी संसारी दीवान लाउण वाला, साहब कहने ने ओ वेखा ओना नजर ना आवे बहुता एहो बेडान बहुता ही बड़प्पण है उहदा, कौन जान सकदा उहदे बड़प्पण नू कौन उहदा अंत लै सकदा है, वह बेअंत वाहिगुरु का
इसे करके साहब कहंदे आ प्रभु समरथ देव अपार, कौन जाने चलत तेरे, जिस अंत नाही पार ओदा अंत नहीं, पारा बारा नहीं कोई लै सकदा। इसे करके साहब कहंदे जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार, जिन्ने भी पैदा किते ने दुनिया दे विच जिया जंत मेरे वाहिगुरु ने, प्रभु परमात्मा सारिया नू भाई दान दे रहा, क्योंकि दद्दा दाता एक है, इको ही है दान देने वाला दाता। पासा कहने ने दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, सारिया नू देने वाला सब कुछ। ते पासा कहने ओ दई जा रहा, दई जा रहा, देंदा टोट ना आवई, ओदे घर विच कोई टोट थोड़ नहीं आउंदी, कदे भंडारे खाली नहीं होंदे, खत्म नहीं होंदे। पासा कहने देंदा टोट ना आवई, अगणंत भरे भंडार, पासा कहने अणगिणत ही ओदे भंडारे भरे पए ने। इत्थे तां पासा कहने देंदा दे, देण वाला दई जा रहा, लैंदे थक पाई, लैण वाले असीं थक जाने आ। साडे गुरु प्यारियो शरीरक अंग लैण वाली भाव के पहनद्या पहनद्या अंग घटे, पासा कहंदिया वी पहनद्या पहनद्या दे साडे शरीरक अंग ही घस जांदे आ, खात्मा हो जांदा साडा, पर ओह वाहिगुरु वल्लों कोई टोट नहीं आउंदी। खावांदिया भाव के खांद्या साड्या दे दंद भी घस जांदे आ, मुख भी साडा भाव के ये दंद जवाब दे जांदे आ। इसे करके पासा वह दई जा रहा, दई जा रहा, जिया जंत असी लैण वाले, उम्र बीत जांदियां ने, खात्मे हो जांदे आ, पर उहदे भंडार भंडारी दे भरे पए ने। इसे करके साहब उस्तत करदे होए वाहिगुरु जी साहिबां दी कहंदिया जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार, ओ दान दई जा रहा, दई जा रहा। मेरा वाहिगुरु जदों तो दुनिया पैदा हुई है वो सबना नू दान दई जांदा है, ओदे भंडारे कदे खाली नहीं होए ना होने है। इसे करके साहिबा ने सानू समझाया कि ऐ प्यारिया उस वाहिगुरु दी शरण विच आ जाए, उस मालिक नू अंग संग समझिया कर, वो वाहिगुरु है जेड़ा भाई उच्चे तो उच्चा है, डूंगे तो डूंगा है, परे तो परे है। इस करके साहिबा रहमत कर दिया जाके आखरी पौड़ी दे बेच, हर सारण आयो दास तेरा, प्रभ ऊच अगम मुरार, कड ले हो पाओ जल बिकमते, जन नानक सद बलिहार। पासा कहने ने हर सरण आयो दास तेरा, ऐ मेरे वाहिगुरु जी असी तेरे दास हाँ, तेरी सरण दे विच आए हाँ, दासरे बन के। दासरा भाव विच सानू समझाउंदा पासा कहने प्यारियो मालिक दे दास बन के रहो, दास कह लिए, सेवक कह लिए, जन कह लिए, नौकर कह लिए, गोला कह लिए, अर्थ इको ही है। साहब कहंदे ऐ प्यारियो मालिक दी सरण विच आई आपां, सरण अख्तियार करिए। जो पासा कह रहे ने मन रे प्रभ की सरण विचारो, कहंदे ऐ मना मेरिया प्रभु परमात्मा दी सरण विच आउणा कर, विचार कर भी सरण विच आया किन्नियां दा भला होया, सरण विच आए बड़ियां दा भला होया, बड़ियां दा इतिहास है। जो भी गुरु की चरण शरण विच आया, मालिक दी शरण विच आया, उदा ही भला होया। पासा कहना जेते शरण पए है तेते राख लई है, जिन्ने भी शरण विच आए इतिहास गवाह है, उन्हां दी रक्षा कीती मेरे वाहिगुरु ने। अज भी जिहड़ा शरण विच आउंदा मन करके समझदा, कहना भी मालिक हाजर नाजर है, मालिक सदी भी साडे नाल है, मालिक बड़ा समरथा दा मालिक है, ये विश्वास हो बेबस, विश्वास दी गल है। जिन्होंने विश्वास कर लिया ते मालिक उन्हां लई हाजर नाजर हो गए ने, उन्हां दी रक्षा कीती है, उन्हां ते मेहरां होईयां ने। जिन्होंने विश्वास किया
पर जिन्हें विश्वास नहीं किया पातशाह कहने बेविश्वासियां नूं भाई कदे भी फिर ना कोई रखिया ना कोई उन्हां दा दुख खत्म होया वह दुनियादारी विच कदे सुकून आनंद नहीं लैणा किया। इसे करके पातशाह ने सानू समझाउणा किया भी ए प्यारिया सतगुरु ते अपने ते विश्वास कर भी जो बाणी विच जो बोलां विच सतगुरु जी कृपा कर दिया कहना कह रहे ने यह सच है विश्वास करिए विश्वास नाल ही सब कुछ है। जिन्हें भी गुरसिखा ने मालिक ते विश्वास किया कहना जे गुरु नानक साहब ते भाई लहणा जी ने विश्वास किया है तो वेखो सतगुरां दी किड्डी कृपा हुई है विश्वास किया। जो गुरु नानक साहब महाराज जी कहिंदे सी लहणिया ऐ पुरखा भाई जे कितें रात नूं भी कहता कहना भी दिन चढ़ गया तो उत्थे इह नहीं आखणा किया भी बाबा जी तां रात है कहने हाँ महाराज सत बस सच्चे पातशाह दिन चढ़ गया है। जे कितने पातशाह ने भाव जो कुछ भी किया सत करके मनना किया अज सानू भी पातशाह यही कहने भी सतगुर की बाणी सत सत कर जाणो गुरसिखो कहने आ गुरसिखो सतगुरु की बाणी नू भाई सच करके जाणो। बड़े जीव ऐसे आ जिहड़े कहिंदे बाणी विच तां बड़ा कुछ लिखिया हो जी इन्ना थोड़ी मन सकते असी आ कुछ कहती अज दुनिया कहने बाणी विच जो कुछ लिखा कहते असी थोड़ी इन्ना बड़े तो इतों तक कह दिया कहने जी इस तक गृहस्थी होनी है सत थोड़ा इन्ना कुछ होना तो पातशाह ने गृहस्थी जीवन को प्रधानता दिती है तो मेरे मालिक ने गृहस्थी जीवन में रहते हुए गुरसिखा ने भी आखना किया प्यारियो भी आओ घर बार रहो संसार भी चलाना तो उस निरंकार भी त्याना ये मेरे मालिक ने सानू समझाउणा किया। पर असी इदां दीआं गल्लां करदे आं भी ना ना कहिंदे पातशाह वाले काम असी थोड़ो कर सकदे आं बाणी विच बहुत कुछ लिखिया कहिंदे असी थोड़ी इन्ना कर सकदे आं कोई ऐसा कर्म नहीं मेरे सतगुरां ने लिखिया बाणी विच जिहड़ा गुरसिख ना कर सकदा होवे भाव के सतगुरां ने जो कुछ भी सानू दस्सिया कहिंदा साडे भले लई है साडे भले लई कदे मर्जी को सोच के देख लीए जो मर्यादा बनाई जो कायदा कानून बनाया जो गुरमत है साड़ी भाव के वह साडे भले लई है। इसे करके तो आखना किया सतगुर सभना का भला मनाएगा सतगुरु ये थोड़ी है भी बरागियां त्यागियां का ही भला कहते भाई तुम जपना करो गृहस्थी नहीं जप सकते साहबा ने तो सारे का भला लोचिया साहबा ने बाणी में कह दिता दोहे पक्ष साडे सामने रखिया साहब कहते ने गिरोहो कर ता सतगुरु जी कहते धर्म कर गिरोहो गिरोह का भाव गृहस्थी बन जा घर बार बसा लै कहने पर धर्म के काम जरूर करी धर्म की है सच है भी सच्चा सुचा जीवन बना के चली भाई पातशाह कहने गिरोहो कर ता धर्म कर नहीं ता कर बैराग कहने नहीं भाई कोई नहीं गृहस्थी नहीं बनना ता साहब कहने बरागी बन जी बन सकदा रोकिया कुछ नहीं पातशाह ने पर नाल सानू दस्या भी आ रास्ते ते भाई इउं चली आ रास्ते ते आए चली साहब कहने गिरोहो करता धर्म कर नहीं ता कर बैराग ते नाल पातशाह ने कहता कहने बैरागी बंधन परे ताको बड़ो अभाग जे बरागी त्यागी होके कहना फिर भी कहने गृहस्थियां वाले बंधना च पै जावे फिर भी दूसरे पासे चल पवे तो तेरे वर्गा मंदभागी कोई नहीं होगा पातशाह कहने मंदभागी तेरे जैसा कोई ना होगा ताको बड़ो अभाग क्या भी अभागा तेरे वर्गा कोई नहीं होना। इसे करके साहब ने सानू बाणी दुबारा सच्चा सुचा जीवन जिउण की एक कृपा की है ता ही क्या पातशाह ने भी गुरसिखा इस बाणी नू सच करके जानी सत करके जानी गुरु की बाणी ते सतगुरां ते विश्वास करके जाई जे विश्वास करेगा भला होवेगा पर जे इदां कही गया भी ये तो सतगुरु कर सकते सी भाई ये तो उही गुरसिख कर सकते सी भी गुरु की बाणी जिन्ना कुछ कहिंदी असी थोड़ी इन्ना कर सकते आ ता पातशाह ने वचन किते आ साहब कहिंदे आ सतगुरु की प्रतीत ना आईआ शब्द ना लागो भाओ तिसनो सुख ना उपजै भावें सौ गेड़ा बो जाओ
पासा कहिंदा भावे 100 गेड़े कढ़ी जाई भाई गुरु पासा दे लागे आले दाले आई जाई नमस्कारां कर कर जाई जाई जे मालिक ते विश्वास ना कीता इस शब्द बाणी दे नाल प्रेम ना तेरा बनिया ता पासा कहने ने तेनू कदे भी भाई सुख नहीं हो सकता। ये गरंटी नाल कहिंदा पासा तिसनों सुख ना उपजे। पासा कहिंदे आओ ताते आपां सारी मंग दे सुखां भाई भाल दे सुखां आपां सारी अरदासा साडिया सुखां दियां इन्हें किसे नहीं अज तक सुनिया भी कोई दुख मंगदा होवे। जे सुख सतगुरु जी कहिंदे जे सुख लैणे आ भाई जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले ता शरण विच आ जा ता गुरु की बाणी ते विश्वास कर गुरु की बाणी नू समझना कर समझ के कमाई कर जीवन विच लागू कर ता ते भला होवेगा। ते इत्थे सतगुरु जी रहमत कर दिया हर शरण आयो दास तेरा पातशाह। गुरु अर्जन देव महाराज जी उत्तम पुरख की बाणी विच कहिंदे ते सानू समझाउंदिया ऐ पढ़न वालिया ऐ प्यारिया सुनन वालिया प्रेम विच आख मालिक दे चरणां विच सच्चे सतगुरु हर शरण आयो दास तेरा मैं तेरा दास हां मेरे वाहिगुरु मैं तेरी शरण विच आया प्रभ ऊच अगम मरार ऐ मेरे प्रभु जी ऊचे मेरे साहिबा ऐ अगम मेरे पास साड़ी तो पहुंच तो परिया रहमत कर साड़े ते ऐ मरारी मेरे साहिबा कढ लेहो पौजल बिखम ते सानू आ बिखम रस्ते विचों ए बिखम संसार विचों सानू कढ लियो। जन नानक सद बलिहार गुरु नानक साहिबा दे पंजवें स्वरूप गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा कर दिया समझाउंदे आ असी अपने गुरु तो सद बारे बारे जाइए बलिहार जाइए ते ए अर्ज करिए विश्वास करके करिए भी हां सतगुरु जी ही इस संसार तो सानू पार उतार कर सकदे आ। ताते आओ साहिबा दी बाणी सतगुरां दे बचना नू हिरदे विच वसाइए साहिब दे चरणां विच अर्ज करी भी सतगुरु जी तुहाडे इह सत बचन उपदेश विचार बाणी साडे हिरदे घर विच वस जावे कदे भुलीए ना मालका इह जीवन विच तेरे ही गुण गाईए गुण गा के असीं भी सच्चे पातशाह अपने जीवन नू सफल सोहणा बनाईए। रहमत कर दिओ साहिब जी साडे उपर बिसर नाहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चावे हो होना भुलां दी खिमा बख्शिश करनी जी। आओ कुछ क समा गुरमंत्र द्वारा सांझ पाईए प्रेम सहित सारी संगत आखना करो जी वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। ਸਲੋਕ ਬਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ
दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जागत चंगे आया बर आया बच धर्म करमी आपो अपनी के नेड़ के जिनी नाम तो आया गए मसकत नानक तो मुख उजले कहती सुटी जिनी नाम ते आया गए मसकत नानक तो मुख उजले कहती सुटी वाहिगुरु जी का खालसा वाहि